नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के खातों में पहुंचे 1,000 रुपए। तीजा पूरा के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को एक विशेष सौगात दी। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित तीजापुरा महतारी वंदन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं के खातों में 1,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। ये राशि महतारी वंदन योजना के तहत दी गई, जिससे महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने विष्णु भैया को धन्यवाद दिया। महतारी वंदन योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। छत्तीसगढ़ में रेप घटनाओं को लेकर सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी सरकार पर निशाना। प्रदेश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, सोशल मीडिया की राष्ट्रीय चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। बीते 8 महीनों में 600 से अधिक रेप की घटनाएं इस बात का सबूत है। श्रीनेत ने कहा, आज देश में आधी आबादी के लिए कोई जगह नहीं बची। आज पूरा देश सदमे में है। चिन्मयानंद का केस वापस लेते हैं क्योंकि वो बीजेपी से हैं। सत्ता के लिए जो दोषी पाए गए, चाहे वो राम रहीम हो या आशुराम हो, आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हर जिले में कांग्रेस का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बीज ने इसके बारे में विस्तार से बताया। दीपक बीज ने कहा, छत्तीसगढ़ में छेड़छाड़, दुष्कर्म, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार विफल साबित हो रही है। प्रदेश सरकार की विफलता का खामियाजा हमारे प्रदेश की बेटियों, बहनों और माताओं को भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। अपनी बहनों, माताओं और बेटियों की आवाज बनकर हम सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। दीपक बीज ने कहा कि इस मामले में कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई स्वयं लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ में जनजातीय युवाओं के लिए अभिनव पहल। विष्णुदेव साय सरकार ने दी रोजगार की संभावना है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार वनांचलों में जनजातीय समाज रास्ते पर ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शासकीय सूत्रों ने बताया, वन विभाग द्वारा राज्य में जनजातीय वनवासियों के हितों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए लगातार महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वन मंत्री केदार कश्यप ने जनजातीय समुदायों के युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और जैव विविधता संरक्षण की अध्यक्षता को बखूबी समझा है। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में की बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार मामले में किया एफआईआर दर्ज। सीबीआई ने सीनियर समेत 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सर्वेयर जामपाली ओपन कास्ट माइन रायगढ़ क्षेत्र और एक निजी कंपनी के साझेदार पर भ्रष्टाचार के आरोपों तलाशी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीनियर सर्वेयर जामपाली ओपन कास्ट माइन रायगढ़ क्षेत्र और एक निजी निर्माण कंपनी के साझेदार सहित 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला आरोप पत्र में ईओडब्ल्यू का दावा, आबकारी अधिकारियों ने रिश्वत से कमाए 57 करोड़। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार में हुए 2200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में संलिप्त सभी अफसरों से पूछताछ की जा रही है। अब तक 2 दिनों में 20 में से 15 अफसरों से पूछताछ की जा चुकी है। ये वही अफसर हैं जिन्होंने सिंडिकेट के साथ मिलकर 5 साल में लगभग 172 करोड़ रुपए की कमाई की। ईओडब्ल्यू द्वारा पेश की गई चालान की कॉपी बताती है कि इन अफसरों की कमाई चुनावी वर्ष यानी कि 2022-23 में पिछले वर्षों की तुलना में दोगुनी हो गई। आरोप पत्र के अनुसार 560 रुपए की मदिरा 2,880 रुपए की एमआरपी पर बेचा जाता था। सिंडिकेट द्वारा मिलीभगत कर इसके दाम बढ़ाकर 3,840 रुपए कर दिए गए। आरडीए कॉलोनी में सप्लाई हो रहा कीड़े वाला पानी, इसलिए फैला पीलिया का कहर। राजधानी रायपुर के बोरिया खुर्द स्थित आरडीए कॉलोनी में इस समय पीलिया का कहर जारी है। इसी बीच कॉलोनी के बी ब्लॉक के पानी से कीचड़ निकल रही है। कॉलोनी के एक घर में कीड़ा दिखाई दिया है, इससे कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कीड़े निकलने का ये पहला मामला नहीं है। आए दिन किसी न किसी घरों में कीड़े दिखाई देते हैं, जबकि अभी बरसात का सीजन और पीलिया का प्रकोप है, जहां गंदा पानी भी आ रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि लगभग 15 वर्ष पुरानी इस कॉलोनी में पेयजल के लिए बिछाई गई पाइपलाइन नालियों से होकर गुजरी है। अब 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं मुद्रा लोन। उद्यमी मित्र पोर्टल पर भी कर सकेंगे आवेदन। छोटे एवं लघु उद्योगों को केंद्र सरकार द्वारा बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत अब मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। अब तक मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख थी। इसमें उन्हीं लोगों को 20 लाख का लोन मिलेगा जिन्होंने पहले 10 लाख का लोन लेकर चुका दिया है। केंद्रीय बजट में इसका प्रावधान भी किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत मुद्रा लोन किसी भी बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई आदि के नजदीकी शाखा कार्यालय से लिया जा सकता है। साथ ही उद्यमी मित्र पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है।
अमित शाह के फॉर्मूले पर जांच एजेंसियां हुई सतर्क। मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर हो रही है धड़ाधड़ कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 23 से 25 अगस्त तक रायपुर प्रवास के दौरान मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर रोक लगाने के कड़े निर्देश पर राज्य की एजेंसियां धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है। राजधानी के पंडरी एक्सप्रेस वे के नीचे 31 अगस्त को अफीम की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी तस्कर के कब्जे से पुलिस ने 2 किलो 106 ग्राम अफीम और एक स्कूटी को जब्त किया जिसकी कीमत लगभग 32,13,340 रुपए आंकी गई है। पटरियों पर चल दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ज्यादा किराए की वजह से वातानुकूलित वंदे भारत ट्रेन यात्रियों की उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी। आपको बता दें अवसर रेलवे में यात्रा करने वाले लोगों को खासतौर से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का कई दिनों से इंतजार है। पहले बिलासपुर से नागपुर के बीच 16 कोच के साथ शुरू हुई थी जिसमें से 8 कोच कम करने पड़े थे क्योंकि यात्रियों की आवाजाही बहुत कम थी। ऐसे में अब रेल मंत्रालय लंबी दूरी के लिए स्लीपर कोच वंदे भारत ट्रेन चलाने के प्लान पर आगे बढ़ रहा है। स्लीपर कोच बेंगलुरु में तैयार किए जा रहे हैं। अब रिचार्ज खत्म होते ही गुल हो जाएगी बिजली, घरों में लग रहे स्मार्ट मीटर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने कोरिया में भी स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया। कोरिया में 3 दिन में शहरी एरिया में करीब 70 स्मार्ट मीटर लगाए गए। पुराने मीटर को बदलकर रोजाना स्मार्ट मीटर लगाने को काम चल रहा है। स्मार्ट मीटर को मोबाइल की तरह रिचार्ज करना पड़ेगा, यानी जितने का रिचार्ज उतने ही घर में बिजली का उपयोग। विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट डिजिटल मीटर लगाने की योजना को मूर्त रूप देते हुए उपभोक्ताओं के इलेक्ट्रॉनिक मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। रायपुर के पेडिकॉन समिट का आयोजन, देश भर में जुटे एक्सपर्ट। रायपुर में छत्तीसगढ़ अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पेडिकॉन 2024 समिट का आयोजन किया। देश भर से रायपुर आए बच्चों के डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे बाजार में मिलने वाले दूध को पीकर तंदुरुस्त होंगे ये मिथ है। बच्चों को अलग अलग बीमारी से बचाने की वैक्सीन लगवानी जरूरी है। यहाँ आए एक्सपर्ट्स डॉक्टरों ने बच्चों में होने वाली बीमारियों, पेरेंटिंग में होने वाली गलतियों से बच्चों की सेहत पर असर और बच्चों के लिए आई नई वैक्सीन पर वर्कशॉप की है। 4 क्षेत्रों में प्रदूषण घटा, भिलाई दुर्ग की हवा पिछले साल से ज्यादा साफ। पिछले साल की तुलना में दुर्ग भिलाई शहर की हवा साफ हो गई है जबकि रायपुर में प्रदूषण बढ़ा है। पिछले साल दुर्ग भिलाई शहर के 4 इलाकों की हवा दूषित होने से स्थिति बिगड़ रही थी, इस साल स्थिति सुधर गई। दरअसल पिछले दिनों स्टेट लेवल मॉनिटरिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की समीक्षा बैठक में निकल कर आई। इसमें एनसीपी में शामिल शहरों को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। इसके बाद दैनिक भास्कर ने भी इस रिपोर्ट की पड़ताल की। कांग्रेस की सरकार में हुए बड़े घोटाले, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर भड़के छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम। छत्तीसगढ़ में इन दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के दिए बयान पर बवाल मचा है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा राजनांदगांव पहुंचे जहां उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हिस्सा लिया। इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के दिए बयान पर चर्चा हुई। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, राज्य में लूट मचाई गई है, इन सब के बारे में जनता सब जानती है। लकड़बग्घा दिखा गांव के पास, वन विभाग ने किया अलर्ट। जिला नारायणपुर वन मंडल अंतर्गत जंगल से विचरण करते हुए लकड़बग्घा जिला मुख्यालय के आसपास भ्रमण करते पाया गया। इस हेतु आम जनता से अपील की गई कि शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक अंधेरे में अनावश्यक भ्रमण न करें। अत्यंत आवश्यक होने पर प्रकाश की व्यवस्था के साथ 4 से 5 व्यक्तियों के दल में भ्रमण करें। एकाएक लकड़बग्घा दिख जाए तो सर्वप्रथम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लें। लकड़बग्घा दिखने पर अनावश्यक छेड़छाड़ न करें। लकड़बग्घा दिखते ही वन अमले को सूचित करने हेतु मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। बिलासपुर रेलवे जोन की 8 ट्रेनें फिर कैंसिल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर बिलासपुर रेलवे जोन में ट्रेनों के कैंसिल करने का सिलसिला नहीं थम रहा है। त्योहारी सीजन में रेलवे ने एक बार फिर से 8 ट्रेनों को कैंसिल किया। पश्चिम मध्य रेलवे जोन के जबलपुर मंडल के सतना स्टेशन में नॉन इंटरलॉकिंग के काम के चलते इस रूट की ट्रेनों को 17 से 27 सितंबर तक कैंसिल किया। रेल प्रशासन ने इससे यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया जबकि रेल यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। मारेड मिल्ली घाट को किया गया बंद, 2 दिनों से बारिश। NH-30 बंद, एराबोर नाले में जल भराव से लगा जाम। बंगाल की खाड़ी में तूफान का असर आंध्र तेलंगाना के साथ बस्तर में दिखने लगा है। 2 दिन से बस्तर के अधिकांश भाग में बारिश हो रही है, इससे छोटे बड़े नालों के साथ साथ नदियां उफान पर हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी इसका असर पड़ने लगा है और आवाजाही बंद है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 एराबोर नाले में जल भराव से पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है। खबर लिखते एक एराबोर पुल पर 5 फीट पानी बह रहा है। आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पुल के दोनों तरफ पुलिस जवान तैनात हैं। दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियों की कतार लग गई है।
प्रदेश की सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा ईवी सर्विसिंग सेंटर और पार्ट पुर्जे नदारद। प्रदेश की सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा दोपहिया तीन पहिया कार से लेकर माल वाहन इलेक्ट्रिकल वाहन पिछले 3 साल से दौड़ रहे हैं। महंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों को देखते हुए खरीदी करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन मेंटेनेंस और सर्विसिंग को लेकर समस्या बनी है। लेकिन इन वाहनों के खराब होने पर उन्हें कोई बनाने वाला मैकेनिक तक नहीं है। वाहन में किसी भी तरह का खराबी आने और क्षतिग्रस्त होने पर शोरूम तक घसीटते हुए लाना मजबूरी बन गई है। वाहन चालक भी इसके चलते परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बेलगांव में एक साथ 17 बंदरों की मौत से हड़कंप। बेमित्रा गांव में बंदरों से फसलों की सुरक्षा के लिए रखे गए रखरखाव ने 17 बंदरों को मौत के घाट उतारा। दरअसल बेलगांव में फसल की देखरेख के लिए ग्राम सरपंच, ग्राम पटेल, कोटवार, ग्रामवासियों की उपस्थिति में बंदर भगाने के लिए प्रत्येक घर से 1 किलो चावल और कुछ नगद राशि पर रखवार रखा गया था। रखवार ने क्रूरतापूर्वक 17 बंदरों को मार दिया। बंदरों के मरते ही आसपास के ग्रामीण अंचल में खबर आग की तरह फैल गई, जिसकी खबर मिलते ही वन विभाग, थाना प्रभारी, तहसीलदार, आरआई, पशु चिकित्सा का पूरा अमला बेलगांव पहुंचा और बंदरों की मौत की जांच में जुट गया है। छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग में एक साथ 200 अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग के एक साथ 200 अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफर हुए। ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में एक साथ इतने कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त कार्यालय ने एक आदेश जारी किया, इसमें 200 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया। इस ट्रांसफर की सूची में आरटीओ में पदस्थ परिवहन निरीक्षक, परिवहन उप निरीक्षक, परिवहन सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं। सभी को नई पोस्टिंग दी गई है। शिक्षक के गुटखा खाने से परेशान छात्रों ने स्कूल में जड़ दिया ताला। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 2 शिक्षकों को हटाने की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने स्कूल में ताला जड़ दिया। बच्चों का कहना है, टीचर गुटखा खाकर आते हैं, उनके मुंह से बदबू आती है और अच्छे से पढ़ा नहीं पाते। मामला बलोदा विकास खंड का है। बता दें, जांजगीर चांपा के ग्राम मड़वा में संचालित शासकीय पूर्व माध्यमिक स्कूल, यहां पर 5 शिक्षक हैं, जिसमें से 2 लकवा ग्रसित हैं। इसमें शिक्षक सुरेश दुबे बोल नहीं पाते और संतोष दास मानिकपुरी लिख नहीं पाते। इसके चलते छात्र छात्राओं की पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। नीट यूजी पीजी में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ में अलग नियम। छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा के लिए गरीब स्टूडेंट्स को बड़े चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में प्रदेश में मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई और काउंसलिंग का दौर शुरू हुआ। ऐसे में नीट क्वालिफाइंग रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के पालक काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन नियम कानून जानकर उनके पैरों तले जमीन खसक जाती है। दरअसल यूजी में भर्ती के लिए 25 लाख का संपत्ति बॉन्ड देना होता है, तो वहीं पीजी में भर्ती के लिए 50 और संपत्ति बॉन्ड कलेक्टर के तहसीलदार से प्रमाणित करके जमा कराना पड़ता है। छत्तीसगढ़ में फैल रहा स्वाइन फ्लू, अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग। प्रदेश में इन दिनों स्वाइन फ्लू तेजी से पैर पसार रहा है। रोजाना H1N1 वायरस से संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइन जारी की। सूरजपुर का स्वास्थ्य अमला भी अलर्ट मोड पर है। सूरजपुर जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अजय मरकाम ने बताया, स्वास्थ्य कल्याण विभाग से स्वाइन फ्लू को लेकर निर्देश मिले, उसके अनुरूप सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। हालांकि जिले में अभी तक इस वायरस से संक्रमित एक भी मरीज सामने नहीं आया, फिर भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बस्तर को छोड़कर प्रदेश के अन्य इलाकों में बारिश गतिविधियां कमजोर रहेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़ स्थित चक्रीय चक्रवात से होते हुए पश्चिम उत्तर की ओर से बढ़ने और एक निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर होने की संभावना है, जिसके असर से अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश में बारिश की गतिविधियों की कमी जारी रहेगी। देशभर के किसानों को मोदी कैबिनेट ने दी 7 बड़ी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों से जुड़ी 7 योजनाओं को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया, किसानों की जिंदगी में सुधार और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने सोमवार को 7 बड़े फैसले किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि क्षेत्र से संबंधित इन 7 कार्यक्रमों के लिए करीब 14,000 करोड़ रूपए की मंजूरी दी गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।